बजट लेकर के आई है, लेकिन इस बजट को देखकर लगता है कि सरकार झारखंड का विकास करने वाली नहीं है। गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार से झारखंड का भला होने वाला नहीं है। इतना भारी भरकम बजट, लेकिन उसके बावजूद आज युवा, झारखंड के युवा सड़कों पर है। आज उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। आज यहाँ के आदिवासी दर दर भटक रहे हैं। आज यहाँ के आदिवासी बाहर पलायन कर रहे हैं। यहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े आज लूट हो रही है, डकैती हो रही है। ना यहाँ के लोगों को सुरक्षा है, ना ही खाने के लिए भोजन है, ना ही यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार है। तो ये कैसा बजट है? झारखंड सरकार सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में लगी हुई है। लाखों करोड़ों का बजट जरूर है, लेकिन सरकार के पास में विजन की कमी है, सरकार के पास में रोड मैप की कमी है, सरकार के पास में मैन पावर की कमी है। आज यहाँ के युवा सड़कों पर है, ना युवा, ना यहाँ के बच्चों के लिए सही शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने की है, ना ही यहाँ जो गरीब मजदूर है उनके स्वास्थ्य का सरकार को चिंता है, ना ही यहाँ के महिलाओं का, बहनों का चिंता है। तो इसलिए ये छलावा है। पिछला बजट भी अगर हम देखें तो सरकार ने उसको भी खर्च नहीं किया है, अब पुनः लाखों का बजट लाई है। तो ये लगता है कि सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, झारखंड की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। ये अब चलेगा नहीं, सरकार की ये मंशा सफल नहीं होगी। ये बजट सिर्फ एक छलावा है।